Class 10, Exercise 1.1, Question Number 5. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन nom, nom plus 1 या nom plus 8 के रूप का होता है। तो जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के पिछले प्रश्नों में भी किया, सबसे पहले मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, प्लस 5, प्लस 6 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बच्चों हमने की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी a को यदि किसी नंबर b से भाग किया जाए तो एक आएगा भागफल जिसे क्यू कहा और एक आएगा शेषफल जिसे r कहा। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो r शेषफल होगा वो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर, शेषफल जीरो भी आ सकता है ना कई बार, तो शेषफल जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा बी से, यानी जिस नंबर से ए को भाग किया जा रहा है उससे हमेशा यह छोटा होगा। अब इस प्रश्न में हम बी मान लेते हैं 3, तो यदि किसी भी नंबर को इस हिसाब से आर से जीरो से छोटा और बड़ा होगा और 3 से, बी 3 के बराबर है तो 3 से छोटा होगा, यानी कि आर हो सकता है 0 या 1 या 2। अब बी और आर की वैल्यूज, यहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त हुआ है उसमें डालने पर, ए बराबर बी क्यू आर में बी और आर का मान रखने पर देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ। ए बराबर बी की जगह है 3, 3 क्यू प्लस आर पहले लिया 0, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2। आर पहले लिया 0 तो आया 3 क्यू प्लस 0, फिर लिया 1 तो आया 3 क्यू प्लस 1, फिर लिया 2 तो आया 3 क्यू प्लस 3। आर थे 0, 1, 2, तो 0, 0, 1 और 2 आर हमने लेकर ए की वैल्यू बनाई है 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है बेटा क्यूब, क्यूब का मतलब ए की पावर 3, ए की पावर 3। तो यदि ए की पावर 3 है तो वह इसका, इसका और इसका, इन तीनों की पावर 3 होगा, है ना। तो ए की पावर 3 का मतलब है 3 क्यू की पावर 3 या 3 क्यू प्लस 1 की पावर 3 या 3 क्यू प्लस 2 की पावर 3। अब हम इसे धीरे धीरे हल करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेगा, पूरे ध्यान से देखो। 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, क्यू की पावर 3 का मतलब है क्यू 3, तो ये 3 क्यू की पावर 3 का की वैल्यू आ गई 27 क्यू क्यू। इसके बाद हम आगे आते हैं, मैंने ये अलग कलर में सिर्फ इसलिए लिखा है कि यह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा, ये तीनों एक दूसरे से अलग दिखे इसीलिए अलग रंग का प्रयोग किया गया है। बीच में इनके है कोमा, यहां देखिए 3 की पावर 3 है 27, 3 तीन होते हैं 27, क्यू की पावर 3 है क्यू क्यू। ये जो 1 की पावर 3 होगा 1, वो 1 मैंने सबसे अखीर में लिख दिया है, बाकी बच गया हमारे पास ये टर्म। इसको देखिए 3 तिया 9, 9 एकम 9, साथ में है क्यू, 9 क्यू, 9 क्यू को जब 3 क्यू से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 और क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया 27 क्यू स्क्वायर। ये 27 क्यू क्यूब यहां से आया था, इसके इसको हल करने के बाद पहले रकम 3 क्यू से गुना करके 3 तिया 9 तिया 27 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बन गया, प्लस अब ये 3 तिया 9 क्यू गुना हो गया इस 1 से, तो 9 क्यू गुना 1 होगा 9 क्यू, प्लस ये जो 1 क्यूब हमने यहां पर सॉल्व किया था, ये जो 1 का क्यूब है ये यहां पर 1 यहां आ गया है। इसके बाद हम इसे हल करेंगे, अब हम इसे हल करेंगे, देखिए 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब है क्यू क्यूब। इसके बाद 2 का क्यूब होता है 8, 2 दुनी 4 दुनी 8, उस 8 को मैंने यहां अखीर में लिखा है, क्यों वो बाद में समझाता हूं। इसके बाद देखिए ये बन गया 3 तिया 9, 9 दुनी 18, ये इसको सॉल्व करके आया है 18 क्यू
ठीक है, ये मैं अलग से लिख के आपको दिखाता हूं 18 क्यों। अब ये 18 क्यों पहले 3 क्यों से गुना होगा, फिर ये 18 क्यों 2 से गुना होगा क्योंकि इसके साथ ये ब्रैकेट गुना हो रही है। तो 18 क्यों को जब 3 क्यों से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 54 क्यों गुना क्यों क्यों स्क्वायर प्लस, इसके बाद 18 क्यों 2 से गुना होगा तो 18 2 36 क्यों साथ में लग जाएगा क्यों प्लस, ये जो 2 क्यूब था ये बन गया यहां पे 8। इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको आगे हल करेंगे बच्चों। अब हम 27 को मैं लिख रहा हूं 9 गुना 3 क्यों क्यूब, क्योंकि 9 होता है 27। यहां पर देखिए यह आया था 27 क्यों क्यूब प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 क्यों प्लस 1। इसमें से ये पहली जो 3 रकमें हैं 1 2 3, देखिए तीनों 9 के पहाड़े में आते हैं, 27 भी 9 के पहाड़े में आता है, ये 27 भी 9 के पहाड़े में आता है और 9 भी। इन तीनों में से मैंने 9 को बाहर कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 3 क्यों क्यूब प्लस 27 को 9 से 27 से 9 बाहर कॉमन ले लिया गया तो बाकी बच गया 27 को 9 से बाकी 3 साथ में है क्यों स्क्वायर प्लस, 9 में से 9 बाहर कॉमन ले लिया बाकी बच गया क्यों, ब्रैकेट बंद हो गई प्लस, ये ब्रैकेट यहां शुरू हुई थी बेटा, प्लस 1 साथ में था तो वो साथ में लिख दिया। ऐसे यहां पर भी इन तीन रकमों में से ये 3 27 54 36 तीनों ही 9 के पहाड़े में आते हैं, तीनों से ही मैंने 9 कॉमन ले लिया तो बाकी देखिए बच गया 27 को 9 से भाग किया 3 क्यू क्यूब साथ में प्लस, 54 को 9 से भाग किया 6 क्यू स्क्वायर साथ में प्लस, 36 को 9 से भाग किया 4 साथ में क्यू प्लस 8। अब बच्चों यहां पर बहुत देखने वाला स्टेप ये है कि ये 9 के अलावा जो भी ब्रैकेट में है ना उसको हमने मानना है M, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी पूर्णांक हो सकता है ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखिए जो भी ये मैंने रेड सर्कल्स लगाए हैं ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको मानना है M। ये देखिए 9 लिखा साथ में जो भी ब्रैकेट के अंदर था उसकी जगह M, 9 लिखा जो ब्रैकेट में है ये सारा एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक की जगह लिखा M प्लस प्लस 1 यहां से, यहां भी ये जो ब्रैकेट थी इसकी जगह लिखा M, तो ये बन गया 9M प्लस 8। तो आपने देखा A क्यूब को हम 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था, इसलिए हमने लिखा। अतः सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन A का घन क्यूब 9M 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। एक बार फिर से देख लो बच्चों, हमने सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, A बराबर B क्यू प्लस R, B हमने लिया है 3, तो अगर B 3 है यानी कि A को 3 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल आ सकते हैं, या 0 या 1 या 2। तो A बराबर B क्यू प्लस R में A बराबर B क्यू प्लस R में 0, 1 और 2 डालने पर हमारे पास आ गया 3Q, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, क्योंकि इसका घन निकालना था तो यहां हमने घन करा तो 3Q का क्यूब 3Q प्लस 1 का क्यूब और 3Q प्लस 2 का क्यूब। इन तीनों को आगे हल करने के बाद इस स्टेप पर आकर हमने इनमें से 9 कॉमन लिया और यहां से भी 9 कॉमन लिया तो हमारे पास वही फॉर्म बन गई। जो ब्रैकेट है इसको हमने माना कि यह कोई ना कोई पूर्णांक होगा, यहां भी जो ब्रैकेट है ये भी कोई ना कोई पूर्णांक होगा, यहां जो ब्रैकेट है ये भी कोई ना कोई पूर्णांक होगा, तो ये बन गया 9M 9M प्लस 1 9M प्लस 8, यही हमें सिद्ध करना था।